हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो आज हम सब पढ़ेंगे डॉक्टर फॉस्टस के बारे में। डॉक्टर फॉस्टस के बारे में मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये स्टोरी हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ सिखाती है एंड बहुत ही ज़्यादा कुछ बताती भी है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने से समथिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कर लो। डॉक्टर फॉस्टस इंग्लिश ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस का पार्ट है। ये ब्रिटिश इंग्लिश में आपका है। सो डॉक्टर फॉस्टस विच हैज़ रिटन बाई क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी लिखी है। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर फॉस्टस की जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है, जो कि एक जर्मन के एक आदमी पे बेस्ड थी। इस स्टोरी में बेसिकली बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो सम फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं आपको पूरी समरी स्टोरी की बताऊँगी। तो स्टार्ट करती हूँ आज की इस वीडियो को। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूँ डॉक्टर फॉस्टस के बारे में। तो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो एक स्कॉलर हैं जिन्होंने दुनिया भर की बुक्स पढ़ी हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। तो उन्होंने फिलॉसफी कर ली, लॉ कर ली, लॉजिक पढ़ ली, थियोलॉजी कर ली, मेडिसिन पढ़ ली। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी उनके अंदर एक कंप्लेन था कि वो एक आम आदमी की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। तो उन्हें था कि वो कुछ डिफरेंट करें, वो उन्हें लोग जाने, वो फेमस हो, उनके पास खूब सारा पैसा हो, ताकि वो दुनिया भर की चीज़ों को इन्जॉय कर सकें। तो बेसिकली इस स्टोरी को हम कहेंगे द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये लाइफ एंड डेथ हम क्यों कहेंगे, ये पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इस स्टोरी में आपने जैसे जाना कि डॉक्टर फॉस्टस ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, बट उसके बाद भी उनको फील होता था कि वो एक आम इंसान की तरह रह गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो ऐसा क्या करे, क्या डिफरेंट करे, जिसके वजह से वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा उन्हें शोहरत मिले, पैसा मिले एंड दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिले। तो उन्होंने अपने दो फ्रेंड से वॉल्डेज एंड कॉर्नेलियस को बुलाया था अपने घर पर, ताकि डिकेज वो उनसे डिस्कस करना चाहते थे कि फादर उनको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने वॉल्डेस एंड कॉर्नेलियस से पूछा कि उनको अपने किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए जिससे उनके पास खूब सारे पैसे हों। तो उन लोगों ने बताया कि उनको अपना ट्रैक जो है वो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि सीधे रास्ते पे चल के वो ज़्यादा पैसे और शोहरत नहीं पा सकते हैं, ऐसा वॉल्डेस और कॉर्नेलियस ने कहा। तो डॉक्टर फॉस्टस ने कहा कि ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि उन्हें डेविल को फॉलो करना पड़ेगा फॉर बिकमिंग मोर पावरफुल पर्सन। तो डॉक्टर फॉस्टस ने डिसाइड किया कि ही विल डू डैट थिंग। सो उन्होंने उस टाइम पर ये डिसाइड तो कर लिया, बट उनके मन में दो एंजल आ रही थी, एक गुड एंजल थी और एक थी एविल एंजल। तो मैं आपको बता दूँ इस पूरे प्ले में, ये जो डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी है ये एक प्ले है जिसको जर्मन में स्टेज पर प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो ने इसे एक प्ले की तरह लिखा है। तो गुड एंजल और एविल एंजल ये दोनों डॉक्टर फॉस्टस की ही स्प्रिट थी, जो कि उनको ऐसा करने से रोक भी रही थी और उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित भी कर रही थी। तो गुड एंजल ने डॉक्टर फॉस्टस से कहा कि वो ऐसा ना करे, डेविल को फॉलो ना करे, बिकॉज इस वजह से खुदा जो है वो गुस्सा हो जाएंगे डॉक्टर फॉस्टस से। बट एविल एंजल ने कहा कि अगर वो उन्हें पावरफुल बनना है तो ऐसा करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे डॉक्टर फॉस्टस को कुछ और नहीं दिखा, उन्होंने एविल एंजल को ही फॉलो करना सही समझा। तो डॉक्टर फॉस्टस एविल एंजल को फॉलो करते हैं एंड उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक ऐसे सुनसान जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई ना हो। तो उन्हें एक सजेस्ट मिलता है कि वो जाए कब्रिस्तान में जाए। देन ही डिसाइडेड टू गो इन सेमेट्री। तो वहाँ जाने के बाद वो ब्लैक मैजिक पढ़ते हैं डॉक्टर फॉस्टस, तब वहाँ पे मेफिस्टोफेलिस आता है। मेफिस्टोफेलिस के बारे में बता दूँ, जो कि एक सेकंड लीड कैरेक्टर है इस प्ले का, जो कि लूसीफर का सर्वेंट होता है। अब यहाँ पे बात है कि लूसीफर कौन था। तो लूसीफर वाज द किंग ऑफ डेविल। सो वो शैतान का राजा होता है, जहन्नुम का राजा होता है। इनफैक्ट लूसीफर ने पहले, लूसीफर जो रहता है वो एक अच्छा इंसान रहता है जो खुदा को काफ़ी ज़्यादा मानता है,
बट बाद में उसको रहता है कि वो मोर पावरफुल बने खुदा से, तो वो खुदा के खिलाफ बगावत कर देता है जिससे खुदा ने उसको जहन्नुम में भेज दिया जाता है। तो उससे उसके बाद लूसीफर ने बहुत सारी अपनी डेविल स्प्रिट्स बना ली, अपनी डेविल आर्मी बना ली, जिसमें से मेफेस्टोफिलिस भी एक था। तो मेफेस्टोफिलिस बाद में लूसीफर का गुलाम बन जाता है। तो ये सारे जो लोग थे, लूसीफर, मेफेस्टोफिलिस, ये लोग डेविल को फॉलो करते थे, यानी ब्लैक स्प्रिट को फॉलो करते थे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे लूसीफर और मेफेस्टोफिलिस के बारे में। मेफेस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस को बताता है अगर वो लूसीफर को फॉलो करेगा तो लूसीफर उसको दुनिया भर की सारी खुशियाँ देगी, नाम देगी, शोहरत देगी, प्रोवाइडेड डेट डॉक्टर फॉस्टस को खुदा को भूलना पड़ेगा, खुदा से दूरी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे प्ले में दोबारा से गुड एंजल और एविल एंजल अपीयर होती हैं। गुड एंजल इस चीज़ को करने से मना करती हैं कि बिकॉज वो कहती है कि अगर वो इस चीज़ को करेगा, खुदा से बगावत करेगा, तो दोबारा उस खुदा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट एविल एंजल कहती है कि ये तुम्हारा सपना था कि तुम मोर पावरफुल इंसान बनो, तुम फेमस बनो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम एक आम इंसान की तरह रह जाओगे। तो डॉक्टर फॉस्टस अपने एविल एंजल को फॉलो करता है और मेफेस्टोफिलिस से हाँ कह देता है कि वो लूसीफर को फॉलो करेगा। आफ्टर डेट मेफेस्टोफिलिस बताता है डॉक्टर फॉस्टस को कि लूसीफर ने ऐसा डिमांड किया है डॉक्टर फॉस्टस से कि 24 साल तक लूसीफर जो है वो डॉक्टर फॉस्टस को दुनिया भर की सारी खुशियाँ देगा, नाम देगा, शोहरत देगा। बट आफ्टर 24 आवर्स से डॉक्टर फॉस्टस को लूसीफर को अपना रूह देना पड़ेगा, अपना सोल देना पड़ेगा। बट यहाँ पे गुड एंजल एंड एविल एंजल दोबारा से अपीयर होती है। गुड एंजल मना करती है बट एविल एंजल इनक्रेज करती है डॉक्टर फॉस्टस को अपने सोल देने के लिए आफ्टर 24 आवर्स से। देन डॉक्टर फॉस्टस डिसाइड करता है कि हाँ वो इस चीज़ को करेगा, वो लूसीफर को फॉलो करेगा और 24 साल तक अपना जो भी उसका नाम है, शोहरत है, वो उसे लेगा। देन यहाँ पर मेफेस्टोफिलिस कहता है कि लूसीफर को अपना बनाने के लिए, लूसीफर को फॉलो करने के लिए डॉक्टर फॉस्टस को अपने ब्लड से सिग्नेचर करना पड़ेगा एग्रीमेंट पेपर पे। देन यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस इस चीज़ को मान जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है एंड अपने ब्लड से एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर देता है। देन ये जो एग्रीमेंट पेपर रहता है मेफेस्टोफिलिस ले जाके लूसीफर को दे देता है। आफ्टर डैट मेफेस्टोफिलिस से डॉक्टर फॉस्टस को एंटरटेन करने के लिए बहुत सारे स्प्रिट्स को बुलाता है ताकि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो एंटरटेन हो। इसके बाद मेफेस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस को काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक देता है जिसके वजह से डॉक्टर फॉस्टस चाहे तो वो तूफान ला सकते हैं, बारिश रुकवा सकते हैं, बारिश करवा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, गोल्ड बना सकते हैं, मतलब दुनिया भर की जितनी भी खुशियाँ हैं वो डॉक्टर फॉस्टस यहाँ पर ला सकते हैं। डॉक्टर फॉस्टस अपनी न्यू लाइफ को काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, उसको दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिल गई थी। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बीत गया था। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर फॉस्टस को रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे दोबारा से गुड एंजल और एविल एंजल अपीयर होती हैं। गुड एंजल कहती हैं कि वो इस सारी चीज़ों को छोड़ दें, अभी भी खुदा उसे माफ़ कर सकेगा। बट एविल एंजल कहती है कि अब टाइम नहीं है कि खुदा उसे दोबारा से माफ़ करें, तो अब डॉक्टर फॉस्टस को यहीं पर हेल में रहना पड़ेगा। मैं बता दूं कि थ्री मेन जो कैरेक्टर हैं, जैसे लूसीफर, मेफेस्टोफिलिस के बारे में तो आप जान ही चुके हैं जो कि डेविल रहते हैं, डॉक्टर फॉस्टस तो हमारे प्रोटागोनिस्ट हैं, एंड इसके अलावा एक है बिलजेब है। बिलजेब जो है वो भी शैतान है लूसीफर और मेफेस्टोफिलिस की तरह, वो भी एक एविल स्प्रिट है। ओके, तो यहाँ पर बिलजेब के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, बिकॉज बिलजेब से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बिलजेब जो था वो लूसीफर का गुलाम था जैसे कि मेफेस्टोफिलिस था। तो बिलजेब, मेफेस्टोफिलिस एंड लूसीफर तीनों डॉक्टर फॉस्टस को एंटरटेन करने के लिए डॉक्टर फॉस्टस की हर चीज़ों को मानते हैं, जो भी डॉक्टर फॉस्टस कहता है उस चीज़ों को वो लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे तीनों मिलके डॉक्टर फॉस्टस को 7 डेडली सिंस के बारे में बताते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, लस्ट, ग्लोटनी, ग्रीड, स्लॉथ, वॉन्ट, एनवी, प्राइड, ये सारे जो है वो 7 डेडली सिंस है जो कि एक शैतान की एक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं डॉक्टर फॉस्टस अपनी इस न्यू लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहा था, तो वो काफ़ी मैजिकल सी चीज़ें कर रहा था। टाइम पे यूनाइटेड किंगडम के किंग थे चार्ल्स फिफ्थ थे, तो वो डॉक्टर फॉस्टस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, उनके बारे में काफ़ी कुछ सुने थे। तो वो डॉक्टर फॉस्टस से कहते हैं कि कुछ वो उन्हें भी मैजिक करके दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर बहुत ही ज़्यादा मैजिक कर रहे थे, अपने मैजिकल लाइफ को जी रहे थे। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे पूर्वजों को वापस से ला सकते हो इस धरती पे, मुझे दोबारा से, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो अलेक्जेंडर एंड हिज क्वीन को
डॉक्टर फॉस्टस चार्ल्स फिफ्थ के सामने अपीयर कर देते हैं, जिससे चार्ल्स फिफ्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड डॉक्टर फॉस्टस को रिवॉर्ड देने के लिए कहते हैं। आफ्टर डेट यहाँ पे क्या होता है, ड्यूक एंड डचेस एक के रहते हैं, तो डचेस जो रहती है उसको ग्रेप्स बहुत पसंद है, बट वो जो सीजन था जिसमें डॉक्टर फॉस्टर ड्यूक एंड डचेस के पास गया था, ये लोग भी किंग एंड क्वीन थे एक जगह के, तो यहाँ पे क्या होता है कि डचेस जो होती है उसको ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद था, वो डिमांड करती है कि उसे ग्रेप्स खाना है, तो डॉक्टर फॉस्टर यहाँ पे अपने मैजिक से डचेस को ग्रेप्स ला के दे देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा सब शौक हो जाता है, बिकॉज वो जो सीजन था वो ग्रेप्स का सीजन नहीं था। एंड इसके अलावा डॉक्टर फॉस्टस ने दुनिया भर की सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था एंड दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें थी उन सब से ब्लैक मैजिक करना सीख लिया था। सो डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से कुछ क्वेश्चन पूछता है, विच इज़ दैट हाउ, मतलब प्लैनेट कैसे काम करता है, प्लैनेट कैसे मूवमेंट करता है एंड इस दुनिया को किसने बनाया है। तो सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर मेफिस्टोफेलिस नहीं दे पाता है, क्योंकि मेफिस्टोफेलिस खुदा का नाम नहीं ले सकता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया खुदा ने ही बनाया है। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि नहीं, तुम शैतान के अब राज में हो और हम सब शैतान हैं, तो हम यहाँ पर खुदा का नाम नहीं ले सकते हैं। सो यहाँ पे लूसीफर मेफिस्टोफेलिस एंड डॉक्टर फॉस्टस बिल जब ये सारे जो हैं वो डेविल हो चुके हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हेलेन, जिसके बारे में मैंने पहले होमर द एलियट में आपको बताया है हेलेन के बारे में, हु वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, तो डॉक्टर फॉस्टर उससे मिलने की डिमांड करता है मेफिस्टोफेलिस से। तो मेफिस्टोफेलिस एंड लूसीफर डॉक्टर हेलेन की सोल को डॉक्टर फॉस्टर के सामने ले आते हैं। तो दुनिया भर की सारी खुशियाँ डॉक्टर फॉस्टर से काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, बट क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जो समय है वो बीतता जा रहा था। आखिर वो समय आ ही गया जिसमें डॉक्टर फॉस्टर्स को अपना रूह लूसीफर को देना था। अब बच गए थे 11, जिसमें डॉक्टर फॉस्टर्स अपने रूम में बैठा हुआ था। इस प्ले में ऐसा दिखाया गया है कि लास्ट की ये सीन है जिसमें डॉक्टर फॉस्टर्स अपने रूम में बैठा हुआ है और वो घड़ी की तरफ देख रहा है, जिसमें 11 बज रहे हैं और 24 साल पूरे होने में सिर्फ 1 घंटे बाकी हैं। तो डॉक्टर फॉस्टर अपनी पूरी जर्नी को याद कर रहा था कि इन 24 सालों में उसने क्या क्या किया है, तो उसे काफ़ी अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसने अपने जिस खुदा पे वो बिलीव करता था उसके खिलाफ उसने बगावत करके लूसीफर को फॉलो किया एंड उसके बाद उसने दुनिया भर की सारी खुशियाँ ली, बट खुदा के वो खिलाफ थी। तो डॉक्टर फॉस्टस यहाँ पे खुदा से रिक्वेस्ट करता है, लूसीफर से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे 1 दिन, 1 साल या फिर 1 महीने या 1 सेकेंड का एक्स्ट्रा टाइम दे, जिसमें वो कुछ सोच सके, कुछ कर सके। इनफैक्ट यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्या कुछ खोया है कुछ समय की चीज़ों को पाने के लिए। तो यहाँ पे पहले से ही एग्रीमेंट साइन रहता है कि डॉक्टर फॉस्टस को 24 साल बाद लूसीफर को अपना रूह देना पड़ेगा। आफ्टर कम्प्लीटिंग 24 ईयर्स से डॉक्टर फॉस्टस को अपनी रूह लूसीफर को देनी पड़ती है। देन 12 बजते हैं, लूसीफर आता है डॉक्टर फॉस्टस की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता है एंड उसकी रूह लेके चला जाता है। सो इस स्टोरी को द ट्रेजेडी हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस कहा गया, जिसमें डॉक्टर फॉस्टस की लाइफ के भी बारे में बताया गया और उसकी कैसे डेथ हुई इसके बारे में भी ट्रेजेडी वे में दिखाया गया है। तो ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। फर्स्टली तो ये सिखाती है कि हमारे पास जो भी है उसे हमें मेहनत से पाना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कम आपके पास पैसे हैं, शोहरत है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी कम हो। आप सही रास्ता चुनें जिसके वजह से आप अपनी लाइफ अपने तरफ से जी सकेंगे एंड जो जीवन है या फिर लाइफ एंड डेथ है वो तो हमारे खुदा डिसाइड करते हैं, ना कि कोई डेविल डिसाइड करता है। आई होप कि आपको स्टोरी ये पसंद आई होगी और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे से समथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।